भ्राता श्री मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस इंद्रजीत की गर्जन का समुचित उत्तर दे सकूं। लक्ष्मण, किंतु तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो? धैर्य रखो वीर, उसका नाम मेघनाद है। कृष्णा तो मेघ का स्वभाव होता है। तुम रणभूमि में उत्तेजित होकर नहीं, एक धीर योद्धा की भांति जाओ। प्रभु, मेघनाद एक बहुत मायावी और कपटी है। कृपया करके भैया लक्ष्मण को अकेला ना भेजे, विभीषण जी योद्धाओं को भी उनके साथ भेजे। मैं सक्षम हूं अकेले लड़ने में। लक्ष्मण, विभीषण जी उन मायावी राक्षसों की कपट लीला से भली भांति आकर्षित हैं। अंगद, हनुमान, तुम लक्ष्मण के आसपास ही रहना। जो आज्ञा राधा श्री। कहां छिपा है मैं बदमाशी? दो बार तो पहले ही बच चुका है। मेघनाद, मेघनाद चुनौती देता है तुझे। स्वयं भगवान भी से डरते हैं। इन बादलों से, इन छोटे मोटे बादलों से लड़ने में कोई उत्साह नहीं। कोई शूल भी आए तो उन्मत्त हो जाएगा मेघनाद। लक्ष्मण कहा छुपा बैठा है भूत? शाबाश, आगे बढ़ो, क्लूच करो, राक्षस को समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। इंद्रजीत सावधान, हम अयोध्या तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम निशाचरों का वध नहीं कर देते। आ गया तू, आ गया तू, अपने भ्राता को नहीं लाया अपनी मदद करने के लिए? तुम कपटी के लिए तो हम स्वयं काफी हैं। अवश्य अवश्य, पहले तो तू दो बार बच चुका है मृत्यु के समीप जाके, परंतु तीसरी बार नहीं। लक्ष्मण, इंद्रजीत व्यर्थ बातें छोड़ो, कार बातें करते हैं, वीर युद्ध करते हैं, युद्ध करो। अवश्य अवश्य, चल गए। श्री